गाइस, मेरे पास है वन प्लस नॉर्ड सी फोर और इस फ़ोन को मैं एक गेमिंग स्टेशन बनाना चाहता हूँ या फिर पोर्टेबल गेमिंग डिवाइस बनाना चाहता हूँ, और इसीलिए मैं लेकर आ गया हूँ वीवो फॉक्स टेक। और ये जो है एक गेमिंग कंट्रोलर है, और इससे आप आपका फ़ोन को कंट्रोल कर सकते हो और गेम भी खेल सकते हो बहुत ईजिली। जैसे मैं अगर इसको एक्चुअली मैं इसमें अटैच कर दिया तो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा खासा एक गेमिंग कंट्रोलर बन जाता है ये, और गेमिंग सेटअप भी बन जाता है वन प्लस नॉर्ड सी फोर के लिए। तो डेफिनेटली एक बहुत ही बढ़िया डिवाइस है वीवो फॉक्स का जो टेक डिवाइस है एमकेटे की तरफ से। और ये डिवाइस में मैं गेमिंग करके दिखाऊंगा। हम लोग जानेंगे कैसे आप की मैपिंग कर सकते हो प्रॉपरली वीवो फॉक्स टेक पे, जो कि एक बहुत ही बढ़िया गेमिंग कंट्रोलर है। वीडियो एंड तक देखिएगा, और डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा वीडियोस लाता रहता हूँ चैनल पे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो इसका जो कीज़ है, और कीज़ में लाइट आपको रिंग लाइट मिल जाएगा और बहुत ही बढ़िया लगता है। सारे के सारे लाइट एक्चुअली आप चेंज भी कर सकते हो। और इधर पे दो बटन मिलेगा आपको की मैपिंग के लिए, एक डोजो के लिए। एंड्रॉयड फोन्स है उसमें दो तरह के गेम्स होता है। एक गेम्स है जो कंट्रोलर सपोर्ट करता है, और एक गेम है जिसमें कंट्रोलर सपोर्ट नहीं करता है। तो जो गेम्स एक्चुअली कंट्रोलर्स को सपोर्ट करता है उसके लिए है डोजो मोड, और जो एक्चुअली कंट्रोलर्स को सपोर्ट नहीं करता है उनमें हम लोगों को की मैपिंग करना पड़ता है, उसके लिए है की मैप बटन। तो दोनों बटन बहुत ही इंपॉर्टेंट बटन्स है, और आपको गेम अनुसार या गेम वाइज बटन्स को चेंज करना पड़ेगा या की मैपिंग करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि डोजो में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अगर कंट्रोलर को ऑन या ऑफ करना चाहते हो तो डोजो बोल के जो स्विच है इसको आपको प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा, और एक बार प्रेस एंड होल्ड करने के बाद ये ऑन हो जाएगा। ऑटोमेटिक ब्लूटूथ से कनेक्ट भी हो जाता है। अगर कनेक्ट नहीं होता है तो इसको प्रेस एंड होल्ड करके आपको रखना है, और एक बार लाइट ब्लिंक करेगा तो पेयरिंग मोड में चला जाएगा और आप उधर से इसको ब्लूटूथ डिवाइस लिस्ट में पेयर कर सकते हो। उसके बाद आता है कि डोजो मोड में क्या क्या गेम एक्चुअली में सपोर्ट करता है, और डोजो मोड में जो गेम सपोर्ट करता है वो कंट्रोलर सपोर्टेड गेम्स है। आपको ईवो फॉक्स टेप बोल के उन लोगों का एक ऐप मिल जाता है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और ईवो फॉक्स डोजो बोल के जो ऐप है उसको आप एनेबल कर सकते हो इधर से। और इधर में आपको कुछ कुछ सेटिंग्स मिल जाएगा, आप देख सकते हो कंट्रोलर में कितना बैटरी है वो दिख जाएगा आपको, और क्या क्या गेम सपोर्ट करता है कंट्रोलर वो भी देख जाएगा। तो इधर पे बहुत सारे गेम्स आपको मिलेगा, जैसे कॉल ऑफ ड्यूटी है और स्काई चिल्ड्रेन, लियोस फॉर्चून, सारे के सारे गेम्स आप डाउनलोड करके अभी का अभी खेल सकते हो, क्योंकि ये सारे गेम्स ऑलरेडी कंट्रोलर को सपोर्ट करते हैं, आपको की मैप करने का ज़रूरत नहीं है, ये प्लग एंड प्ले गेम्स है। तो एक गेम हम लोग खेल के देख लेते हैं कैसे ये एक्चुअली काम करता है। तो मैं इसके लिए स्विच ऑन करूंगा स्टार वॉर्स का जो गेम है, और ये एक्चुअली आपका नया गेम लॉन्च किया है स्टार वॉर्स की तरफ से, और बहुत ही बढ़िया गेम एक्चुअली आपको गेमिंग एक्शन देखने के लिए मिलेगा इस गेम में। और ये गेम कंट्रोलर सपोर्टेड गेम है, तो आपको की मैपिंग करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इधर से खेल सकते हो, और बहुत ही बढ़िया गेम प्ले है इस गेम का। तो देख लेते हैं कैसे गेम प्ले है और कैसे आपको क्या करना है। तो आप देख सकते हो इधर पे आपको अगर एक कंट्रोलर आप खरीदते हो तो सारे के सारे ऑप्शंस या सेटिंग्स आपको कंट्रोलर से नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप फ़ोन को अटैच कर सकते हो इधर पे। आप इधर में टच करके भी कुछ कुछ सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो, और आप देख सकते हो इधर पे कंट्रोलर पूरा का पूरा सपोर्टेड है, और मैं इधर अगर क्लिक करता हूँ प्ले का ऑप्शन आ जाता है। तो मैच मेकिंग हो रहा है इधर पे, देख लेते हैं कैसे खेलते हैं या फिर कैसे कंट्रोलर काम करते हैं इस डिवाइस के साथ। तो इधर पे मुझे एक कैरेक्टर सिलेक्ट करना पड़ेगा, और कैरेक्टर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी। तो कैरेक्टर सिलेक्ट हो गया है, और इधर पे गेम्स को स्टार्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हो कैरेक्टर मूव हो रहा है पूरा का पूरा, और आपका जो राइट हैंड साइड का रिंग बटन है उससे आप पूरा का पूरा डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया गेम है, और इधर पे आप देख सकते हो मैं कोई भी बटन्स को चूज़ करके इधर पे शॉट दे सकते हो इन लोगों को,
और ये एक्चुअली कॉल ऑफ ड्यूटी टाइप का ही गेम है। मैं इधर पे फायरिंग कर रहा हूँ और फायरिंग बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। जो फील है कंट्रोलर से खेलने का वो भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है मुझे। पर आप अगर कंट्रोलर से नहीं खेलना चाहते हो, आप अगर टच से खेलना चाहते हो, तो इंस्टेंटली आप इधर से वो चेंज भी कर सकते हो। आपकी मर्जी है पूरा के पूरा, और बहुत ही अच्छे तरीके से गेम चल रहा है। तो इसको अभी एंड करते हैं, और नेक्स्ट जो चीज़ है की मैपिंग में वो है आपका की मैप बटन, उससे बारे में बात करते हैं। तो की मैप बटन वही गेम्स के लिए काम आएगा जो गेम्स में आपका कंट्रोलर सपोर्ट नहीं है, लेकिन आप खेल सकते हो कंट्रोलर से। तो की मैप मोड को ऑन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इधर पे डोजो मोड जो है उसको क्लोज करना है। क्लोज करके की मैप मोड में आपको जाना है। तो मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ ब्लूटूथ डिवाइसेस लिस्ट पे। तो आप देख सकते हो डोजो मोड पे जब कनेक्ट करते हो आप कंट्रोलर को, वायरलेस कंट्रोलर बोल के आता है। और अगर आप की मैप मोड पे इसको कनेक्ट करते हो तो आपका आता है इवो फॉक्स टेक बोल के। तो दोनों आपका डिवाइस का जो नेम है ब्लूटूथ में कनेक्ट होता है वो डिफरेंट है। फिर हम लोग की मैप मोड ऑन कर लेते हैं। तो मैं की मैप मोड पे कंट्रोलर को कनेक्ट कर लिया हूँ। आप देख सकते हो इधर पे इवो फॉक्स टेक बोल के जो डिवाइस नेम था उससे कनेक्टेड हुआ है, और इसका मतलब की मैप मोड में एनेबल कर सकते हो। और की मैपिंग एनेबल करने के लिए आपको एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो जो ऐप है वो बहुत ही इजीली आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में। ऐप का नाम है शूटिंग प्लस V3। ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। इधर पे देख सकते हो इवो फॉक्स टेक कनेक्टेड, इसका मतलब मेरा जो गेम पैड है कनेक्ट हो गया है। इतना सारा गेम से आप की मैपिंग करके खेल सकते हो, लेकिन मैं आज एक ही गेम के बारे में बात करूंगा, और वो है आपका रॉनिन बोल के गेम है समुराई का, शॉर्ट फाइटिंग के ऊपर। वो हम लोग देख लेंगे चल रहा है क्या नहीं, और मैं ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हूँ। आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, एक बार कनेक्ट हो जाने के बाद इधर पे आपको एक पॉपअप मिलेगा, और इस पॉपअप में आपको कॉन्फ़िगर करना है। एक एक की पैड में बटन्स पर प्रेस करना है, और इसको लेके जाके आप इसको मूव कर सकते हो। जो आपका की मैपिंग होगा उधर पे आप प्लेस कर सकते हो। तो थोड़ा गेम प्ले खेल लेते हैं। तो इधर पे मैपिंग देख लेते हैं क्या मैपिंग है और कैसे मैं मैपिंग किया हूँ। तो आप देख सकते हो B से मेरा शॉर्ट का अटैक है, और ए से मेरा एक्चुअली सुपर पावर का अटैक है, ब्लॉक भी कर सकता हूँ। और इधर पे डायरेक्शन का सब कुछ मैंने चूज करके रखा हूँ। इसको क्लोज करता हूँ और फिर गेम प्ले पे आता है। तो इधर पे आप देख सकते हो मेरा ब्लॉकिंग जो है वो अच्छे से काम कर रहा है, और एक्चुअली मैं बहुत अच्छे से गेम प्ले भी खेल सकता हूँ। ये एक्चुअली मैं की मैपिंग करने के बाद और बहुत इजीली मेरा जो गेम प्ले है वो हो रहा है। तो कोई भी गेम आप की मैपिंग करके खेल सकते हो बहुत इजीली ऐसे करके। और यहाँ पे एक बार की मैपिंग करने के बाद आपको सेव कर लेना चाहिए, और नया की मैपिंग अगर करना है तो न्यू पे क्लिक करना चाहिए, आपको क्लोज करना चाहिए। और डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम से सेव करने के बाद आपको सारे कॉन्फ़िगरेशन सेव्ड रहेगा, और आप कोई भी गेम की मैपिंग करके खेल सकते हो इस गेम पैड में। तो यही बोल के मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा वीडियोस लाता रहता हूँ चैनल पे। तो आज के लिए बस इतने, आपका दिन शुभ रहे।